आज साल का पहला दिन है, आपने 2023 में हमारे चैनल और हमें बहुत ही प्यार दिया, इसी तरह के प्यार को आगे भी आप हमारे ऊपर बनाए रखें। और उन सभी जो मेरे YouTube चैनल फैमिली से जुड़े हुए हैं, 28,000 सब्सक्राइबर, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज की जो कहानी है, पति पत्नी के रिश्ते के बीच अगर कोई तीसरा व्यक्ति को जगह मिल जाता है तो वह रिश्ता अक्सर टूटकर बिखर जाया करता है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है बिहार के हाजीपुर की है। वहीं का रहने वाला सुधीर, जिसकी उम्र 42 साल थी, सुधीर की पत्नी सुमन, जिसकी उम्र 30 साल थी, उन दोनों ने कॉलेज के टाइम पर प्यार कर दोनों ने शादी की थी। और शादी के 8 साल हो चुके थे। 8 सालों के दौरान सुमन और सुधीर के दो बच्चे होते हैं। वह चारों जो थे बेहद ही खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। जो सुधीर होता है उसे कोई भी जॉब नहीं लग रही होती है, तो वह सोचता कि क्यों ना एक प्राइवेट स्कूल खोलनी चाहिए। वह अपनी पत्नी से डिस्कस करता है, लेकिन सुमन जो थी वह कहती है हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो स्कूल जो है हम लोग कहाँ पर खोलेंगे। जो सुधीर होता है वह कहता है कि ज़मीन जो है वह मिल जाएगा, किराए पर हम लोग ले लेंगे। वह बलमा कुमारी के थाना क्षेत्र में ही एक प्लॉट को किराए पर ले लेता है और वहीं पर स्कूल वह खोल देता है। स्कूल की ओपनिंग होती है और स्कूल की ओपनिंग हो जाने के बाद स्कूल जो था बहुत ही अच्छे से जो सुधीर था वह प्रिंसिपल के तौर पर चला रहा होता है। धीरे धीरे वह स्कूल वहाँ पर इलाके में पॉपुलर होना शुरू हो जाता है। सभी वहाँ के आसपास के जो बच्चे थे उस स्कूल में पढ़ने आना शुरू कर देते हैं। जो सुधीर होता है वह अपनी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ वह स्कूल के ही कैंपस में अपने पत्नी के साथ कमरे में सो रहा होता है। 8 अक्टूबर 2023 के रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। सदर थाने के फोन की जो घंटी थी वह घनघनाना शुरू हो जाती है। पुलिस को खबर दी जाती है कि बलवा कुंवारी जो इलाका है उस इलाके में फायरिंग हुई और एक व्यक्ति जो कि स्कूल प्रिंसिपल था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। पुलिस आनन फानन में तुरंत उस जगह पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह जो प्रिंसिपल है उसका नाम सुधीर है और वह अपने स्कूल के कैंपस में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रूम में सो रहा होता है। कुछ लोग उसके घर में आए और उसे इस दुनिया से अलविदा कर चले गए। पुलिस जो थी वहाँ पर चारों तरफ देखती है। जो दरवाज़ा था स्कूल का वह बंद था अंदर से और पुलिस जो थी इधर उधर तफ्तीश चेक कर रही होती है, लेकिन कुछ पुलिस को वहाँ पर कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा होता है। किसे पुलिस को लगे कि जो वो जो लोग हैं इस स्कूल में जो उस घर में घुसे थे वह किस मकसद से घुसे थे, पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सुधीर को ही इस दुनिया से अलविदा क्यों किया गया जबकि उस कमरे में 4 लोग सोए हुए थे। कई सवाल अफसरों के जहन में गोंद रहे थे। जो पुलिस सभी अफसर थे वह सुमन को अपने पास बुलाते हैं और उसे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि सुमन आखिर तुमने ऐसा कुछ देखा हो तो बता दो। जो सुमन थी वह कहती है कि घर में कोई इसे आने का जगह नहीं है, वो लोग कब आए और किस तरह से गए उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन दो लोग जो थे वह उसके कमरे में आए और उसके पति को इस दुनिया से अलविदा कर वह चले गए। पुलिस जो थी वह समझ नहीं पा रही थी कि घर में कहीं से आने जाने की वैसी जगह नहीं है, दरवाज़ा बंद है, तो आखिर वो जो लोग थे वह किस तरह से अंदर आए। पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत सुधीर के लव मैरिज शादी से की कि कहीं उसके शादी के कारण कोई ऐसा विवाद हुआ हो जिसके कारण सुधीर को इस दुनिया से अलविदा किया गया, लेकिन पुलिस को कई कोशिशों के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा, कुछ भी चीज़ पता नहीं चला कि सुधीर को आखिर किस कारण से इस दुनिया से अलविदा किया गया। पुलिस जो थी वह सुधीर के स्कूल के तरफ मुंह मोड़ती है और वहां पर जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस को वहां भी कोई भी सबूत नहीं मिलता तो पुलिस जो थी वह उस स्कूल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर सुधीर को और सुधीर की पत्नी के बीच कैसा रिश्ता था। तो सभी कर्मचारी जो थे वह कहते कि उन दोनों का जो रिश्ता था वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन
एक कर्मचारी जो था वह पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैं जो कुछ ऐसी चीज़ें जानता हूँ जो सब स्कूल के कर्मचारियों के सामने नहीं कह सकता। पुलिस जो थी वह उस कर्मचारी को साइड में ले जाती है और उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है। जो वह कर्मचारी था वह कहता है कि इस स्कूल में एक टीचर है जिसका नाम प्रभात है और जो प्रिंसिपल साहब है उनकी पत्नी सुमन से वह काफ़ी लगा बजा रहता है, वह दोनों अक्सर एक फ़ोन पर बातें किया करते हैं। पुलिस जैसे ही उस कर्मचारी की बातों को सुनती है पुलिस को एक लीड मिल जाता है और तुरंत सुमन के ऊपर पुलिस नज़र रखना शुरू कर देती है कि आखिर सुमन जो है वह किससे मिलती है, कहाँ जाती है। हर चीज़ पता लगाने में पुलिस थी वह अपने कुछ गुप्तचर को लगा देती है। और इधर पुलिस सुमन के मोबाइल का CTR निकलवाती है। CTR आता है तो पुलिस जो थी उसमें देखती है कि आखिर सबसे ज़्यादा बात किस नंबर पर किया गया है और कितनी देर किया गया है। तो एक नंबर जो था वह काफ़ी बार डायल था और वह काफ़ी देर तक उस नंबर पर बात किया करती थी। 8 अक्टूबर रात के 10:45 में उस नंबर पर बात की गई है। पुलिस जो थी वह उस नंबर को पता लगाती है कि आखिर वह जो नंबर है वह किसके नाम पर रजिस्टर है। तो पता चलता है कि जो स्कूल का वह जो टीचर था प्रभात उसी के नाम पर वह नंबर रजिस्टर है। पुलिस को अब बड़ी लीड मिल चुकी थी, वह तुरंत सुमन को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर चली आती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुम्हारे और प्रभात के बीच ऐसा क्या रिश्ता है और तुमने अपने पति को इस दुनिया से अलविदा क्यों किया। जो सुमन थी वह पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रही होती है। काफ़ी देर पुलिस पूछताछ कर रही होती है, सभी सबूतों को पुलिस सुमन के सामने लाती है कि तुम्हारे खिलाफ़ में जो है वह मेरे सबूत मिल चुका है। सुमन को अब कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। सुमन जो थी वह बताना शुरू करती है कि उसकी शादी जो है वह 8 साल पहले हुई थी, वह अपने पति के साथ बेहद ही खुशी से रह रही होती है, लेकिन जब से स्कूल वह खोला उसके बाद वह अपने ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया, स्कूल में इतना बिजी रहने लगा कि मेरे तरफ वह ध्यान देना भी बंद कर दिया। सभी स्कूल के जो कर्मचारी थे उसमें एक प्रभाव जो था वह स्कूल टीचर था, वह भी अक्सर मेरे घर पर आया करता, चाय पानी किया करता था और हम दोनों की जो बातें थी एक पार्टी में सबसे प्रथम हुई थी, वहाँ पर हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया था। नंबर ले लेने के बाद भी सुधीर के पास कॉल करती तो उसका नंबर बंद आता तो मैं प्रभात के पास कर दिया करती। धीरे धीरे वहीं से हम दोनों की दोस्ती स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी बढ़ती चली गई। जब सुधीर स्कूल में होता तो वह प्रभात को अक्सर वहाँ से छुट्टी लेकर वह अपने घर पर रूम पर बुला लिया करती और उसके साथ वह रिलेशन बनाया करती। फिर मुझे एहसास बिल्कुल नहीं होता कि सुधीर जो है वह घर पर रहे या न रहे, मुझे कोई भी जो थी वह दिक्कत नहीं होती। सभी जो मुझे खुशियां चाहिए थी वह प्रभात जो था वह मुझे दे रहा होता है। एक शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं, प्रभात जो था वह मेरे घर पर आया हुआ था और मेरा पति जो सुधीर था वह अपने काम से एक शहर से दूसरे शहर गया हुआ था। रात के 8 बज रहे होते हैं, सुमन प्रभात के साथ अपने कमरे में रेशन बनाने में लगी हुई होती है। तभी सुधीर जो था वह लौट कर चला आता है, वह अपने पत्नी के रूम के पास जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा जो है वह खुला हुआ है और उसकी पत्नी सुमन और प्रभात आपत्तिजनक स्थिति में है। सुधीर जैसे इस दृश्य को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वह तुरंत प्रभात की तरफ आता है और उसे हाथापाई करना शुरू कर देता है। जो प्रभात होता है वह सुधीर को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। चला जाने के बाद जो सुधीर होता है वह अपनी पत्नी सुमन को डांटना फटकारना शुरू कर देता है, उसे पीटना शुरू कर देता है। जो सुमन थी वह कहती है कि वह 8 दिन के बाद प्रभात से वह नहीं मिलेगी, ना ही उसे बात करेगी और अगले दिन से प्रभात स्कूल में आना बंद कर देता है। जो सुमन थी वह अब प्रभात के इंतज़ार में तड़प रही होती है, वह सोच रही होती है कि प्रभात से वह कैसे मिले, लेकिन सुधीर जो था वह अब सुमन को घर से कहीं जाने नहीं दे रहा होता है। जो सुमन थी वह प्रभात से मिलने के लिए वह बेचैन हो रही थी, वह हर तरीके लगा रही होती है कि कैसे भी तरह से प्रभात से उसकी बात हो जाए, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं कर रही होती जिससे वह प्रभात से
बात कर सके या फिर वह मिल सके, क्योंकि प्रभात का जो मोबाइल था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। जो सुमन थी वह समझ नहीं पा रही होती है कि प्रभात से के पास वह कैसे जाए, कैसे उसे मिले। तभी जो सुमन का जो मोबाइल था वह बजना शुरू हो जाता है। सुमन जो थी वह कॉल को रिसीव करती है, तो उधर से जो प्रभात था वह अपने दोस्त के मोबाइल से कॉल किया हुआ था, तो वह बताता कहता है कि वह उसे मिलना चाहता है, वह वहीं के बगल के पार्क में वह चला आए। जो सुमन थी वह शाम के 4 बजे जब उसका पति सुधीर कहीं गया हुआ था किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो वह प्रभात से मिलने के लिए वह उस पार्क में जाती है। सुमन पार्क पहुंचती है तो देखती है कि प्रभात जो है वह पहले से वहां पर मौजूद है। वह प्रभात के पास पहुंचती है और वो दोनों मिलकर बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में दोनों जो थे वह प्यार भरी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जो सुमन थी वह प्रभात से कहती है कि हम दोनों जो है वह नहीं मिल सकते, कब तक चोरी छिपे मिलेंगे। जो मेरा पति अगर रहेगा तो हम दोनों एक नहीं हो सकते, जो मेरे पति को इस दुनिया से अलविदा कर दो। दोनों मिलकर वहाँ पर साजिश रचते हैं। साजिश रचने के बाद जो सुमन थी वह अपने घर वापस चली आती है। जो सुधीर था वह अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ बैठकर रात के 9 बजे वह खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद स्कूल के कैंपस के कमरे में जाकर वह सभी एक साथ सो जाते हैं। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो सुमन थी वह प्रभात के पास कॉल लगाती है और वह बात करती है कि उसका पति जो है सुधीर वह सो चुका है, जो वह चला है, लेकिन दरवाज़ा वह नहीं खोलेगी, उसे खिड़की से आना होगा और खिड़की से ही जाना होगा। जो प्रभात था वह इस बात को सुनता है और कॉल को रख देता है। सुमन जो थी वह खिड़की के पास जाती है और खिड़की को खोल देती है। करीब 10 से 15 मिनट बीतने के बाद जो प्रभात था वह अपने दोस्त के साथ आता है और कमरे में सुधीर जो था वह निहाली ओढ़कर सोया हुआ था उस पर आता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है और वह तुरंत वहां से चला जाता है। प्रभात को जाने के बाद सुमन जो थी वह रोना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके कारण आसपास के जितने भी लोग थे वह वहां पर पहुंचते हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है। पुलिस यहां पर आती है। पुलिस जो थी वह सुमन की पूरी बातों को सुनती है तो वह काफ़ी हैरान हो जाती है कि एक पत्नी जो अपने ही पति को इस दुनिया से अलविदा कर दी सिर्फ इसलिए कि वह सही से उसे खुशी नहीं दे पा रहा होता, उसे वो संतुष्टि नहीं दे पा रहा होता है। पुलिस जो थी वह तुरंत प्रभात को ढूंढना शुरू कर देती है और बहुत ही जल्द प्रभात को गिरफ्तार कर लेती है और सुमन और प्रभात को जेल की सलाखों के पीछे करती है। और सुमन के बयानों के अनुसार कोर्ट में पेश किया जाता है और उम्र कैद की सजा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सुधीर की गलती थी कि जिस रात वह अपनी पत्नी सुमन और प्रभात को एक साथ देखा उस वक्त उसे थाने पहुंच जाना चाहिए, या फिर प्रभात की गलती थी कि वह अपने प्रिंसिपल के पत्नी के साथ इस तरह की चीज़ों को कर रहा होता, या फिर सुमन की गलती थी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी खुशियों को पाने के लिए वह अपने स्कूल के ही टीचर के साथ वह रिलेशन में जुट चुकी थी? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।